गोवा में मनोहर पर्रिकर सरकार ने शक्ति परीक्षण जीत लिया है, अपना बहुमत सदन में साबित कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त। 22 विधायकों ने पर्रिकर के समर्थन में वोट दिया है, 22 विधायकों का समर्थन मिला है। 16 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव का विरोध किया और इस तरह से 22 विधायकों के समर्थन के साथ बहुमत साबित कर दिया है मनोहर पर्रिकर ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन ही मुकर्रर किया था, 2 दिन का वक्त दिया था सरकार गठन के बाद, और 22 विधायकों के साथ अपना बहुमत साबित कर दिया है। सुभाष शिरके हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, पर्रिकर को 22 विधायकों का समर्थन और इस तरह बहुमत साबित कर लिया, किन किन विधायकों का साथ मिला और कांग्रेस की उम्मीद आखिरकार फिर से टूट ही गई? देखिए, बीजेपी ने दावा किया था कि 23 विधायकों का समर्थन उनको हासिल है, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि 22 विधायक उनके पास आए हैं, तो एक विधायक ने उनको समर्थन नहीं दिया। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सा विधायक उन्होंने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन 21 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी ने पार कर लिया है गोवा विधानसभा में, और मनोहर पर्रिकर इनकी जो कुर्सी है मुख्यमंत्री पद की, वो अभी अगले 5 साल के लिए या जब तक वो अगला संकट नहीं आता उनके, तब तक वो बनी रहे। बिल्कुल, यहाँ पर बहुमत साबित कर लिया है। लेकिन सुभाष, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि 22 विधायकों के समर्थन की बात आ रही है, तो MGP 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 3 और इंडिपेंडेंट 3, ये मिलाकर 9 और 13 बीजेपी के थे ही, तो इन विधायकों ने समर्थन दिया है ये माना जा सकता है? ये भी विधायक तो उन्हीं के साथ है, क्योंकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 ही विधायकों को उन्होंने मंत्री पद दे चुके हैं वो, और इंडिपेंडेंट को भी वो मंत्री पद, दो इंडिपेंडेंट को मंत्री पद दे चुके हैं वो। तो जाहिर है कि NCP का एक इकलौता विधायक था, उन्होंने क्या उनके पक्ष में वोट दिया है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो निर्दलीय और छोटी पार्टी के जो विधायक थे उनको समर्थन उनको मिला है, ऐसा भी लग रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 22 विधायकों के साथ 40 विधायकों के सदन में बहुमत साबित कर दिया है मनोहर पर्रिकर ने, और अब जो है वो सरकार चलाते दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस की उम्मीद जो है यहाँ पर पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है।